सुप्रभात स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ नंबर 7 वचन, और उसमें हम आज वचन बदलना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम चित्रों को देखकर वचन को समझेंगे। घोड़ा घोड़े, पतंग पतंगे। घोड़ा और पतंग शब्दों में एक एक संख्या का बोध हो रहा है। घोड़े और पतंगे शब्दों से पता चलता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक केला। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें केले। चलिए कुछ एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। पहला एक वचन है रात। रात का बहुवचन राती। रोटी का रोटियां। पुस्तक का पुस्तकें। बेटी का बेटियां। जूता का जूते। नदी का नदियां। घोड़ा का घोड़े। साड़ी का साड़ियां। तोता का तोते। कौआ का कोए। नाव का नावें। माता का माताएं। आँख का आँखें। कन्या का कन्याएं। मेज़ का मेज़े। रुपया का रुपये। गेंद का गेंदे। बच्चा का बच्चे। कछुआ का कछुए। कमरा का कमरे।